Right. so आप लोगों ने बहुत सारे फिटनेस एक्सपर्ट्स एंड सेलिब्रिटीज को ये बोलते हुए ज़रूर सुना होगा कि जब भी वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं उस दौरान वो किटोजेनिक डाइट ज़रूर फॉलो करते हैं जिससे उनका गोल बहुत जल्दी अचीव हो जाता है लेकिन किटोजेनिक डाइट जितना सुनने एंड बोलने में ईजी लगता है फॉलो करने में उतना ही मुश्किल होता है तो आज के एपिसोड में मैं आपको पाँच ऐसे फूड आर्टिकल्स के बारे में बताऊँगा जिनको अगर आप अपने किटो जर्नी के दौरान अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका किटो जर्नी बहुत ज़्यादा इजी एंड इम्पैक्टफुल हो जाएगा बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहां जाके जरूर फॉलो करिएगा तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड सबसे पहले आसान शब्दों में समझते हैं कि ये किटोजेनिक डाइट होता क्या है हमारे बॉडी को सही तरीके से फंक्शन करने के लिए हम एनर्जी के सोर्स के तौर पे कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हैं बिकॉज जब भी हम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हैं वो ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज देता है जिससे हमारी बॉडी सही तरीके से काम करती है लेकिन कीटोजेनिक तो डाइट में हम एनर्जी के सोर्स को तो चेंज कर देते हैं उस टाइम पर हम कार्बोहाइड्रेट को कट डाउन कर देते हैं और उसकी जगह पर हम फैट का इंटेक करते हैं जिससे हमें बहुत इंपैक्टफुल फैट लॉस मिलता है बेसिकली जो लोग भी किटोजेनिक डाइट फॉलो करते हैं उनका मैक्रोज रहता है एट्टी फैट रहता है 20% या 30% परसेंट प्रोटीन रहता है और अप्रॉक्सीमेट 20 टू तो 30% वो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हैं एंड ये जो मैक्रोज है ये पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं अब बात कर लेते हैं फाइव रेसिपीज जो आपके कीटोजेनिक डाइट को बहुत ज़्यादा इजी बना देते हैं एज जब भी हम कीटोजेनिक डाइट फॉलो करते हैं उस टाइम पर हमें नॉर्मल रोटी सब्जी दाल चावल ये सारी चीज़ें खाने का मन करता है एज काफ़ी टाइम से हम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक नहीं करते हैं और हमारी बॉडी बार बार कार्बोहाइड्रेट मांगती है लेकिन उस टाइम पर

और साथ में चाहिए आपको अप्रॉक्सिमेट एट टू नाइन ग्राम सेलेनियम हस जिसे हम इस सब गुल भी बोलते हैं जो इजीली आपको कहीं पर भी मिल जाएगा जब सारे ड्राई मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए उसके अंदर हमें ऐड करना है हाफ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट और वन टेबल स्पून ऑफ घी या फिर आप कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करिए इसका अच्छा सा डो बनाइए एंड देन कुछ देर के लिए रेस्ट होने के लिए दीजिए उसके बाद आप बटर पेपर लीजिए उसके बीच में थोड़े थोड़े जो लोई रहती है ना आटे की उस टाइप का बनाइए और उसको

फ्लोअर को एक मसलिन क्लॉथ में लीजिए और उसका सारा पानी निचोड़ के निकाल दीजिए देन एक पैन लीजिए जिसको मीडियम हीट आपको करना है उसमें थोड़ा सा ऑयल डालिए और जो ग्रेटेड कॉलीफ्लावर है उसके अंदर डाल दीजिए थोड़े देर के लिए उसको सौते करिए और उसको आप किसी भी ग्रेवी या फिर वेजिटेबल के साथ एंजॉय कर सकते हैं थर्ड जो रेसिपी है वो है किटो पिज़्ज़ा जो अगेन बनाने में बहुत ज्यादा इजी होता है और जब भी आपको किटोजेनिक डाइट में रहते हुए पिज्ज़ा खाने की क्रेविंग हुई तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा अप्रॉक्सीमेट पाँच साल पहले मैंने ये रेसिपी डिटेल में बना के रखी है जिसके लिए आपको चाहिए कॉलीफ्लावर और साथ में आलमंड पाउडर घर पे जो आलमंड मिलता है उसको बस पीस लेंगे तो वो बन जाएगा कॉलीफ्लावर को अगेन आपको ग्रेट करना है और उसमें से सारा पानी निचोड़ के थोड़ी देर फ्राइंग पैन में उसको सौते करना है और उसमें ऐड करना है आलमंड फ्लावर जिससे आपका बेस बन जाएगा थोड़ा सा ऑयल डालेंगे उसको अच्छे से गूंदेंगे तो उसका बेस बन जाएगा डिटेल वीडियो का लिंक मैं अपने आई बटन में दे दूंगा एंड देन उसके बाद होम आपको एक सॉस बनाना है सारे वेजिटेबल चिकन या फिर पनीर डाल के उसके ऊपर डालिए और उसके ऊपर से आप ग्रेड करिए चीज़ बिकॉज क्रिटोजेनिक डाइट में आप खूब सारा फैट खा सकते हैं और जब आप इसको बेक करेंगे तब आपको अमेजिंग किटोजेनिक पिज्ज़ा मिलेगा जब भी आप इसको खाएंगे मेरा नाम जरूर लेंगे नंबर फोर्थ पे आता है किटो ब्रेड जिसके लिए आपको सिर्फ दो इंग्रेडिएंट की जरूरत है पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है एग व्हाइट पाउडर जो आपको आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आपको ज़्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं एग वाइट पाउडर को एक बोल में लीजिए और थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से तो आजकल हैंड ब्लेंडर आता है उससे आपको अच्छे से उसको विस्क करना है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा फ्लफी हो जाए और आपको जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है उसमें आपको लेना है कॉटेज चीज जिसको अगेन आपको एक ब्लेंडर में लेके मिक्स कर देना है जिससे वो क्रीमी टेक्सचर में आ जाए अब दोनों जो इंग्रेडिएंट हैं उनको मिक्स करिए अब इस मिक्सचर को 350 डिग्री प्रीहीटेड ओवन में थर्टी टू थर्टी फाइव मिनट्स के लिए बेक करिए एंड उसके बाद आपको अमेजिंग किटो ब्रेड्स मिलेंगे जिससे आप सैंडविचेस बना के खा सकते हैं या फिर किसी भी फॉर्म में उसको खा सकते हैं और आपको बहुत मजा आएगा साथ में आपका किटो डाइट भी मेंटेन रहे लास्ट एंड माई मोस्ट फेवरेट फूड आर्टिकल है, है शिराडा की नूडल्स जो कि बना होता है कॉन्जैक फ्लावर से और जो नूडल्स रहता है इसमें नाइनटी वाटर रहता है और थ्री जो रहता है कॉन्जैक फ्लावर रहता है शिराडा के नूडल्स का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है बिकॉज इसके ग्राम में आपको मिलता है सिर्फ ग्यारह से बारह कैलोरीज और साथ में चार ग्राम इसमें काप्स होता है जीरो पॉइंट टू ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है और अप्रोक्सीमेट टू पॉइंट सेवन ग्राम इसमें फाइबर्स रहता है और किटोजेनिक डाइट के दौरान ये बहुत अमेजिंग फूड आर्टिकल है जितने भी फूड आर्टिकल्स मैंने आपको बताए हुए हैं इसको अगर किटोजेनिक डाइट के दौरान आप अपने डाइट में ऐड करेंगे तो आपके लिए जो कीटोजेनिक जर्नी है वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी और आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे और इसके बारे में ज्यादा कुछ जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं साथ ही में जो रेक्ट कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए बाजू वाला जो बलायकन है उसे प्रेस कर दीजिए होप यू लाइक दिस वीडियो इट डेड देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल की पंपिंग स्टेबले